नमस्कार, मैं आदित्य कुमार, आप देख रहे हैं स्टार्ट इन। अभी हमारे साथ मौजूद है जिला परिषद के उम्मीदवार लालिमा परवीन जी, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम, स्टार्ट इन में आपका स्वागत है। अभी लगता है मैम कोरोना जैसी वैसी महामारी पूरे देश भर में चल रही है, इस बारे में क्या कहना है? मैं इस बारे में बताना चाहती हूँ अपने जनता को कि अपने घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, बहुत जरूरी काम से ही बाहर निकलें और लॉकडाउन का उल्लंघन न करें, उनका सहयोग दें, प्रशासन के साथ रहें। मैडम लगातार अभी हमारे लातेहार जिले में हालांकि एक भी पॉजिटिव मामला नहीं आया है, इस बारे में क्या कहना है? ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अगल बगल सारे जिले में हुए लेकिन हमारे जिले में नहीं हुए। यहाँ प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ है, यहाँ पर अधिकारी भी जोर शोर से लगे हुए हैं और यहाँ की जनता भी सहयोग कर रहे हैं। मैडम लगातार ये भी कुछ ग्रामीणों द्वारा आरोप डीलरों पर लगाया जा रहा है कि गमन करने का आरोप लगाया है, लगातार अभी चल रहा है, इसमें क्या कहना है आपका? जी ये तो बात लगभग सही है और जहाँ तक मेरा सोच है, अगर ऐसे डीलरों द्वारा निगरानी कमेटी पर आरोप लग रहा था, ऐसे डीलरों को और अधिकारियों को अगर ऐसा है तो मैं उपायुक्त महोदय से मैं अनुरोध करूंगी कि ऐसे को लाइसेंस रद्द कर दीजिए और अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैम लगता है ये भी सुनने को मामला आ रहा है कि राशन कार्ड के लिए कुछ अधिकारियों द्वारा कुछ मतलब डीलरों द्वारा पैसा लिए का उगाही की जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? जी ये बात तो सच है क्योंकि क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुझे भी पता चला है और सब जनता बताते हैं कि साल भर पहले से वो सब अपना कार्ड ऑनलाइन कराए देते हैं लेकिन अभी तक उनका कार्ड बना नहीं। और सब बताएं कि जब मैं पूछूं उनसे तो बताएं कि कुछ पैसा का डिमांड था, पैसा नहीं देने के कारण अभी तक उनका कार्ड नहीं बना और राशन से अभी तक वो सब सारे वंचित हैं। तो मैडम अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका राशन कार्ड नहीं है, तो उसके लिए आप लोगों द्वारा या फिर अधिकारी द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है? उसमें तो अभी तो फिलहाल हुआ था कि 10 kg राशन देना था, पर बहुत ऐसे डीलर हैं, मुझे अभी शिकायत मिली है कि बहुत कोई को राशन नहीं मिला है और बहुत को ऐसे हैं कि इसके बारे में नहीं जान पाए हैं तो नहीं पहुंच पाए हैं। अभी एक मैडम निगरानी समिति भी बनी हुई है जो मुख्यमंत्री द्वारा आदेश लगाया गया है, उसके लिए बनी हुई है कि निगरानी टीम की कहीं जाँच डीलर की मुख्यमंत्री बुद्धि किचन योजनाओं की लगातार जाँच चल रही है, उसमें भी कई डीलर गमन करने का आरोप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उस पर भी अधिकारी द्वारा उन पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है, इस बारे में क्या कहना है? इस पर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और ये उपायुक्त महोदय से मैं अनुरोध करती हूँ कि जो भी ऐसे गलत काम करते हुए पकड़े जाएं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और मैडम ये भी है कि आपके जिले में अपने ग्रामीण लोगों से क्या आप अपील करना चाहेंगे इस कोरोना जैसी महामारी में कि क्या करें? मैं अपने क्षेत्र के जनता से अपील करना चाहती हूँ कि अभी तक हम लोग कोरोना जैसे महामारी से बचे हुए हैं और ऐसे ही मैं आशा करती हूँ कि बचे रहें। यहाँ की जनता प्रशासन बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है, जनता भी सहयोग कर रहे हैं और लॉकडाउन का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं स्टार टी न्यूज़, हर खबर का असर।